अस्सलामुअलैकुम टेंथ क्लास कैसे हैं बेटा। तो बच्चे आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। बच्चे हम उसने कहा के की वैल्यू फाइंड करके दे, तो हमें इक्वेशन दी है कि 3k(x²-3x+4k=0। अब उसने अपनी बात की है कि इस क्वेश्चन में के सम ऑफ द रूट्स इज अ ट्वाइस ऑफ अ प्रोडक्ट, के हमारे पास जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसका असल जर्ब है, वो उसका 2 गुना है। तो इसी तरह से सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू लेते हैं बेटा। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 3k, बी इज इक्वल टू हमारे पास है -3, और सी इज इक्वल टू हमारे पास है 4k। ठीक हो गया ना बेटा। तो उसके बाद सबसे पहले हम इनका सम लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास होता है इसका फार्मूला -b/a, तो ये माइनस और ये माइनस, +3/a की वैल्यू है 3 के, ये इसके साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/k। तो इसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारे पास होता है c/a, उसका फार्मूला है हमारे पास। और c की हमारे पास क्या वैल्यू है बच्चे, 4a/a की वैल्यू है हमारे पास 3k, k के साथ कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर हमें मिलता है 4/3। तो बच्चे इसी तरह से हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स है वो हमारे पास है ट्वाइस ऑफ अ प्रोडक्ट, के उसका जो रूट्स का मजमूआ है वो हमारे पास रूट्स के हासिल जर्ब का 2 गुना है। तो बच्चे देखें, हम ये ले रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या हमारे पास आंसर आया है बच्चे, ये हमारे पास आया है 1/k। 1/k इज इक्वल टू 2 × अल्फा बीटा का हमारे पास क्या आंसर मिला है हमें, 4/3। ठीक हो गया ना बेटा। तो ये 1/k इज इक्वल टू ये 8/3। ठीक हो गया ना बच्चे। तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई है 8k = 3, k इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 3/8। तो ये हमारे पास इसका आज का टॉपिक है, और आज का हमारे पास ये आंसर है बेटा। तो उसी तरह से हमारे पास ये जो है ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उनको रिवाइज करें, इसको करें बार बार। तो 10th क्लास मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब बच्चों का थैंक्स।